गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो आर्टिकल है उसमें ए और एन, यूज़ ऑफ ए और एन का बहुत ही आसान सा तरीका बताएंगे कि कहाँ पे हमको ए यूज़ करना है, कहाँ पर एन यूज़ करना है। जनरली स्कूल्स में जब हम लोग भी स्टूडेंट्स हुआ करते थे या आज भी हमारा एक स्कूल है, उसमें भी बच्चों को या जनरली हर एक स्कूल में बच्चों को, छोटे बच्चों को यही बताया जाता है कि वोवेल से जो शुरू होने वाले, यानी ए, ई, आई, ओ और यू, इससे शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसके आगे एन लगाते हैं और बाकी सबके साथ ए लगाते हैं। तो बच्चे छोटे उम्र के वो उसको याद किए रहते हैं और मैंने अक्सर देखा है कि वो एक जो उनके दिमाग पर बैठ जाता है, उसके बाद वो आगे की कक्षाओं में जब वो जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, तो वहाँ पे उनको बताया जाता है कि वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। और उसमें से मैंने देखा है कि 80-90% बच्चों को वो जनरली समझ में नहीं आता कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, वोवेल साउंड क्या होता है, तो वो आदत उनकी बनी रहती है। और मैंने अक्सर बड़े बड़े बच्चों को भी देखा है कि वही चीज़ उसको बना के रखते हैं, वो हमेशा वो जो गलती करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के आगे वो एन लगा देंगे, एमएलए के आगे वो ए लगा देंगे। तो आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पे हम ए और कहाँ पे एन यूज़ करते हैं, ठीक है। जिनको वोवेल साउंड समझ में आ जाता है उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, जिनको कॉन्सोनेंट समझ में आता है वो उनको भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिनको वोवेल साउंड समझ में नहीं आता वो सिर्फ वही याद रखते हैं जो बचपन में उन्हें पढ़ाया गया था, ए, ई, आई, ओ और यू से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके आगे एन लगाना है और बाकी सबके साथ ए लगाना है, तो वो ज़िंदगी भर उनके साथ वो उसको याद रहता है और वो ज़िंदगी भर वही उसको रिपीट करते हैं वो। और अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जो है वो गलतियाँ करते हैं, वो 6, 7, 8, 9 तक के बच्चों, 8 तक के बच्चों को भी मैंने देखा है कि ये गलती बार बार वो दोहराते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत आसान सा एक तरीका समझाने की कोशिश करूंगा कि एन कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जनरली बच्चे एलकेजी या यूकेजी से ही जनरली, या 1, 2, 3 जितना भी हम जैसे जैसे जाते हैं, तो हम बच्चों को स्कूल्स में ये भी सिखाते हैं कि हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन क्या हैं। तो हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन को जब हम समझाते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि जब हम स्वर को बताते हैं तो अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, ए और उ, औ। तो ये जो स्वर हुए अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, ए, ओ, औ, तो ये जो 10 हुए, स्पेशली जो 10 स्वर हैं, ठीक है, ये अगर हम ये जानते हैं कि अगर कोई इंग्लिश का वर्ड अगर हम उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं और उसकी शुरुआत इन अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, ए, ओ, औ से होती है, तो हम वहाँ पे एकदम सिंपल सा तरीका है समझने का कि वैसे वर्ड्स के आगे आप आँख मूंद करके एन यूज़ कीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको ये वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड समझने जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो कमज़ोर बच्चे या एवरेज बच्चे होते हैं उनको जो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होता है समझने में, वो नहीं समझ पाते, तो वो आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एम एल ए, अगर बच्चे को पढ़ाया गया, जैसे हम लोग जनरली पढ़ाते हैं स्कूल्स में कि वोवेल जो होता है ए, ई, आई, ओ और यू, उससे शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके आगे आप एन लगाएंगे और बाकी सबके साथ ए लगाएंगे। जब आती है बात यूनिवर्सिटी की, अब वही बच्चे को जब हमने ये सिखाया है और जब वो आगे क्लासेस में जब ये आता है यूज़ ऑफ आर्टिकल और हमने यूनिवर्सिटी दिया, तो मैंने देखा है अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ए एंड यूनिवर्सिटी लगा देते हैं, जबकि वो गलत है, क्योंकि जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और जब तो वो य से होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो य व्यंजन में आता है न कि स्वर में आता है। तो वहाँ पर अगर हम ए यूज़ करते हैं तो वो सही है, अगर एन यूज़ करते हैं तो वो गलत है। जब हम गलत काट देते हैं तो बच्चे के मन में भी होता है कि हमें इन्हीं टीचर्स ने पहले पढ़ाया था ए, ई, आई, ओ और यू के आगे जो वर्ड्स शुरू होते हैं, जो भी इंग्लिश के वर्ड्स इन वोवेल से शुरू होते हैं, तो उनके आगे आपको एन लगाना है। आज जब हमने एन लगा दिया तो फिर यही टीचर हमारे लिए वो उसको
क्रॉस कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। या उसी तरीके से जब हम MLA आता है, तो MLA जब होता है तो वहाँ पर हमने बच्चों को ये बताया कि कॉन्सोनेंट के आगे ए लगाते हैं, तो बच्चे ने क्या किया, MLA लगा दिया। अब वहाँ पे हम उसको गलत करते हैं, स्ट्राइक आउट करते हैं, तो बच्चे के मन में ये दुविधा बनी रह जाती है कि फिर भी वो क्या था जो पहले पढ़ाया गया या जो आज किया जा रहा है। तो बस सबसे आसान सा तरीका मैंने आपको समझाया, ए और एन कहाँ यूज़ करते हैं। एन उस वर्ड के साथ या पहले यूज़ किया जाता है जिस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में हिंदी वर्णमाला के स्वरों का इस्तेमाल होता है, यानी वो वर्ड जो है हिंदी वर्णमाला के स्वरों से शुरू होना चाहिए। अ आ ई ई ए ऐ उ औ, ये जो है यहाँ से जब आप शुरू होता है वो कोई भी वर्ड, तो आप आराम से उसके आगे एन लगा दीजिए। अब आप देख लीजिए MLA जब हम उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एम बोलते हैं ए, और जब हम ए बोलते हैं तो वहाँ पर आप हमेशा क्या लगाएंगे, NMLA, तो वो सही होगा। अगर आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर जाएंगे और वहाँ पर आप लगाएंगे AMLA, तो वहाँ पे आपका वो गलत हो जाएगा। इस तरह से मैंने यूनिवर्सिटी के लिए भी आपको बताया कि अगर आप यूनिवर्सिटी वॉवेल और कॉन्सोनेंट को लेके चलेंगे तो यू क्योंकि वॉवेल है और शुरू हुआ है वर्ड यू से, तो आप उसके आगे अगर आप एन लगाते हैं तो वहाँ पर वो गलत होता है। आप अगर वहाँ पर ए यूनिवर्सिटी लगाते हैं तो सही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा दूं, दिमाग से फिर से रिमाइंड करवा देता हूं कि जिन हिंदी जिन अंग्रेज़ी वर्ड्स की जो शुरुआत होती है वह हिंदी वर्णमाला के स्वरों से होती है, अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ, अगिन से अगर शुरू होती है तो वहां पे आप आँख मूंद करके एन का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब के साथ आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको एक आसान सा तरीका, एक सरल सा तरीका, एक आसान मतलब इजी मेथड मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो भी बच्चे, तो मेरी इस बात को समझेंगे और जो भविष्य में कभी भी इस गलती को दोबारा नहीं करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो होगा मैं उसमें आपको दी का इस्तेमाल करना बताऊंगा कि दी कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।